27 अप्रैल 1994, ये वो दिन था जब एक 75 साल इंसान ने अपनी जिंदगी का पहला वोट डाला और उस इंसान के साथ लाखों लोगों ने भी। वो वोट डालते हुए ये कह रहे थे कि आज हमें वाकई लग रहा है कि हम इंसान हैं। ये बात हो रही है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका का नाम सुनते ही आपके जहन में एक ही नाम आएगा और वो है नेल्सन मंडेला। वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी समरी। इस समरी को आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आप पॉलिटिकल जियोग्राफी को अच्छी तरह समझें और साउथ अफ्रीका की इंटरनल पॉलिटिकल जियोग्राफी को समझने के लिए ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त है और किसी भी कंट्री की हालातों वाकियात को समझने के लिए और किस तरह एक लीडर जो है किसी मुल्क में पैदा होता है और उस मुल्क की जो हुकूमत है उस लीडरशिप को खत्म करने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करती है, आज आप इसी बुक में जानेंगे। साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स को समझने के लिए और इस बुक की समरी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपार्थिड सिस्टम। इस बुक में बार बार अपार्थिड सिस्टम का वर्ड आया है और ये पूरी बुक ही अपार्थिड सिस्टम में है, क्योंकि नेल्सन मंडेला का असल मकसद जिंदगी का अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ ही था। नेल्सन मंडेला 20वीं सदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी था और उसकी बहुत ही तवील जंग अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ ही थी। उसने अपने 27 साल जिंदगी के जेल में गुजारे और 1994 में वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। अपार्थिड सिस्टम को समझने के लिए इसकी थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। डच और ब्रिटिशर यहाँ पे तजारत की गर्ज से आए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया में आए थे और इन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बना ली। दोनों के दरमियान जंग हुई और जंग ब्रिटिशर ने जीत ली और यहाँ पे एक कॉलोनी सेटअप कर ली। स्टेटस ऑफ यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको एक आजाद और खुद मुख्तार कंट्री का नेम मिल गया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर। 1911 के मुताबिक यहाँ पे 67% ब्लैक थे, 9% कलर थे, 21% व्हाइट यूरोपियन थे और 3% एशियंस थे। ब्लैक को कंट्रोल करने के लिए यानी कि मेजॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए व्हाइट्स ने यहाँ पे अपार्थिड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। अपार्थिड का मतलब है सेपरेटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। व्हाइट जो थे क्योंकि मिनोरिटी में थे तो रूल करने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि 1948 से 1994 तक रहा। ये गवर्नमेंट मुख्तलिफ लेजिस्लेशन जो है वो पास करती रही ताकि वाइट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले और वो सुपीरियर कहलाएं। 1913 में लैंड एक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें ब्लैक्स को अलग टेरिटोरियल में रखा गया और इसी लैंड एक्ट के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया और यहीं से ANC पार्टी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का क्याम अमल में आया। 1950 में मैरिज प्रोहिबिट कर दी यानी कि ब्लैक और व्हाइट के दरमियान शादी नहीं हो सकती। 1950 में ही गवर्नमेंट ने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ब्लैक अफ्रीकन जिन्हें बांतू का नाम दिया, कलर यानी कि मिक्स रेसेस, वाइट्स और एशियन, एशियन में इंडियन और पाकिस्तानी वगैरह शामिल। लोगों को पॉलिटिकली सोशल इकोनॉमिकली भी इसी ग्रुप में डिवाइड किया जाता था। पार्क्स, मार्केट, ट्रांसपोर्ट में भी यही कैटेगरी चलती थी। हर जगह वाइट्स को स्पेशल फैसिलिटी दी जाती थी और इसी के अकॉर्डिंग 80% साउथ अफ्रीका की लैंड 20% वाइट्स को दे दी गई थी और ब्लैक्स को अपने ही घरों में दरबदर कर दिया था और उन्हें दूर दराज इलाके दे दिए थे ताकि वो उधर ही अपनी जिंदगी बसर करें। 1959 की बात है कि बांतू सेल्फ गवर्नमेंट यानी बांतुस्तान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये 10 इन्होंने कॉलोनीज बना दी थी जहाँ पे तमाम ब्लैक्स जो थे इन्होंने यहीं पे रहना था। इस बात के पीछे गवर्नमेंट की एक बहुत ही क्लेवर पॉलिसी थी और वो ये थी कि ये जो ब्लैक हैं वो सेंट्रल पॉलिटिक्स से दूर रहें और गवर्नमेंट के इंटरनल मामलात में या अपने हकूक के बारे में बात ना करें। 1981 से 1994 तक 35 लाख लोगों को इनके घरों से बाहर निकाल दिया और उनको बांतू में रहने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से गरीबी और होपलेसनेस जो है वो नजर आई। किताब में मंडेला के गैर मामूली जिंदगी के सफर, एक गांव में इनके बचपन से लेकर इनकी सियासी बेदारी तक, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC में इनकी शमूलियत और इसके बाद 27 साल की कैद तक का बयान है। मंडेला की कहानी इंसाफ, मसावात और नस्ल परस्ती के खिलाफ मुसलसल जदोजहद का नाम है। ये किताब इन चैलेंजों, कुर्बानियों और फतूहत का खुद ब खुद बयान करती है जिन्होंने मंडेला की जिंदगी में और जनूबी अफ्रीका में आजादी की लड़ाई को तश्कील दिया था। इस किताब के 11 चैप्टर हैं, यानी कि नेल्सन मंडेला ने इस किताब को 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आई वन बाय वन इन चैप्टर्स की समरी को हम देखते हैं और इनकी जिंदगी पे हम एक नजर डालते हैं। चैप्टर नंबर 1, कंट्री चाइल्डहुड, यानी कि बचपन देहात में।
नेल्सन का कहना है कि उनके फादर ने उनका नेम रोहिलाला रखा था, जिसका नेम था ट्रबल मेकर, वो भी जोजा जबान में। बहुत से लोगों का कहना है कि इनका नाम ही इनकी जिंदगी में मुसीबत की बाहिस बना, लेकिन नेल्सन के मुताबिक ऐसा नहीं था। वो एक छोटे से गांव मोविजो में पैदा हुए, जो कि ट्रांसकाई इलाके का एक छोटा सा गांव था, 18 जुलाई 1918 के अंदर। ट्रांसकाई की अगर हम लोकेशन को देखें तो ट्रांसकाई जो है वो ईस्टर्न केप टाउन से 800 माइल्स की डिस्टेंस पे है और जोनसाबर्ग के साउथ से 500 माइल की डिस्टेंस पे है। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है जो कि सरसब बागात और वादियों से घिरा हुआ है। ये इलाका थिम्बू कबीले का एक होमलैंड था और बहुत से लोग नेल्सन को शहजादा तस्वर करते थे थिम्बू कबीले का। वो अपने बचपन में आज़ादी महसूस करता था क्योंकि उसे कोई भी पाबंदियाँ नजर नहीं आती थी। वो जिस इलाके में रहता था वहाँ पे सिर्फ ब्लैक फॉर्म ही रहते थे, जो कि हुकूमत ने अलग ही वो इलाका ब्लैक्स को दिया हुआ था और वहाँ पे चंद यूरोपियन लोग ही वाइट फॉर्म में रहते थे। नेल्सन के वालिद चीफ यानी कि सरदार थे, जिसे लोकल मजिस्ट्रेट या चांसलर भी कहा जाता था। इसी वजह से उनके वालिद की नौकरी जो है वो खत्म हो गई और उन्हें कोनू एक गाँव में शिफ्ट होना पड़ा। माली हालात क्योंकि खराब हो गए थे, इस वजह से नेल्सन ने यहाँ पे अपनी जिंदगी की गरीबीपन को भी बयान किया कि किस तरह वो तीन झोंपड़ियों के में रहते थे। किसी के कहने पे नेल्सन के वालिद ने नेल्सन को स्कूल भेजने का इरादा किया। कुनू इलाके में ही एक कमरे का क्रिश्चियन फॉर्म में एक स्कूल बना हुआ था, जहाँ पे इलाके के चंद बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ने आते थे। नेल्सन अपने स्कूल के पहले दिन को याद करते हुए बताता है कि उसके पास पहनने को यूनिफॉर्म भी नहीं था और उसके वालिद ने अपनी पतलून उतार के उसे पहना दी और एक रस्सी की मदद से उसकी पैंट को यानी कि पतलून को बांध दिया और नीचे से पैंट को काट दिया और उसी स्कूल की टीचर ने इसे नाम नेल्सन दिया। वालिद की डेथ के बाद उनके एक दोस्त ने नेल्सन को अडॉप्ट कर लिया, जो कि मैकवेजवेनी का एक सरदार था यानी कि मनसब। यानी कि इस पहले चैप्टर में नेल्सन ने जनूबी अफ्रीका के गांव कोनू में अपने बचपन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। वो एक मुकामी सरदार के तौर पे अपने वालिद के किरदार और कबीले के रस्म और रिवाज को बयान करता है। मंडेला ने अपनी माँ की प्यारी यादें शेयर की हैं, जिनमें इन्होंने इंसाफ और इंसाफ का मजबूत जो एहसास जो है उसके अंदर पैदा किया। वो अपनी इब्तदाई तलीम अपने बुजुर्गों के असरात और इसके इकतदार के बारे में बात करता है, जिन्होंने इसकी परवरिश को तश्कील दिया, इसीलिए वो बचपन में बहुत ही आजादी महसूस करता था। चैप्टर नंबर 2 जॉनसनबर्ग। इस चैप्टर में मंडेला ने ये बताया है कि वो जॉनसनबर्ग जो है वो चला गया। वो किस वजह से गया? वो इस वजह से कि मनसब ने जो कि इसकी परवरिश कर रहा था उसे इसकी और अपने बेटे की शादी जो है वो फिक्स कर दी थी। दोनों नौजवान जो थे वो शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए वो घर छोड़कर इस शहर में चले गए, एक ऐसा शहर जहाँ पे नस्ली अदम मसावात और इम्तियाजी सलूक का निशान है। वो जनूबी अफ्रीका में स्याह आम लोगों को दरपेश और तल्ख हकायक में को देखता है। जॉनसनबर्ग में मंडेला के तजर्बात ने इन्हें अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC की सियासी सरगर्मियों और नस्ल परस्ती के खिलाफ बढ़ती हुई मज़ाहमत से भी आगाह करवाया। वो ANC में शामिल होता है और एक कारकुन के तौर पर अपना सफर जो है वो शुरू करता है। इंसान और मसावात के लिए लड़ने के लिए अपनी जिंदगी भर की वाबस्तगी की बुनियाद भी यहीं से रखता है। इसी चैप्टर में नेल्सन बताता है कि उसने किस तरह घर छोड़ने के बाद मुख्तलिफ एरिया में जाके काम किया, मजदूरी की और अपनी स्टडी भी साथ कंप्लीट की। वो BA की डिग्री के बाद उसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही जबरदस्त उसकी महारत थी। उसने सराउंडिंग में अपनी सूरत हाल को देखा कि किस तरह डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म बहुत ही ज्यादा है। चैप्टर नंबर 3 बर्थ ऑफ द फ्रीडम फाइटर, आजादी के मुजाहिद का जन्म। इस चैप्टर में मंडेला एक आजादी पसंद जंगजू के तौर पर अपनी बेदारी को बयान करता है। वो नस्ल परस्ती की नाइंसाफियों के बारे में अपनी बढ़ती हुई बेदारी और इसके खिलाफ मुख्तलिफ तौर पर मुजाहमत करने के अपने फैसले पर भी तफसील से गुफ्तगू करता है। मंडेला सियासी सरगर्मियों में शामिल हो जाता है, जिसमें ANC यूथ लीग की तश्कील और डिफेंस मुहिम भी इसी की शिरकत में शामिल है, जिसका मकसद गैर मुनसफाना कवानीन और अलैदगी को चैलेंज करना था। ये बात मंडेला की आजादी और मसावात के एक सरशार और वकील में तब्दील पर रोशनी डालता है। जब वो एक नौजवान था तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक वाल्टर, जो पॉलिटिकल मेंबर था ANC का, जो कि एक लॉयर भी था, उसके साथ उसकी मुलाकात होती है। वो सियासी सरगर्मियों से मुतासिर होकर ANC जो है वो ज्वाइन कर लेता है। ANC का एक विंग होता है, जिसे यूथ विंग भी कहते हैं या यूथ लीग कहते हैं,
उसमें शामिल हो जाता है एक नौजवान की हैसियत में। वो वहीं पे अपनी पहली बीवी एवेलिन से मिलता है जो कि एक नर्स का काम जो है वो सरंजाम दे रही थी। अफ्रीकन माइन वर्कर्स यूनियन जो है वो उन्हीं दिनों हड़ताल करते हैं, उनको बहुत ही कम उजरत जो है वो दी जा रही थी। वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको 4 शिलिंग से बढ़ाकर 10 शिलिंग जो है उनकी उजरत की जाए और वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एहतजाज करते हैं। हुकूमत जो है वो इस एहतजाज को कुचलने में हर तरह का हरबा जो है वो इस्तेमाल करती है। हुकूमत का कहना था कि ये हड़ताल जो है वो इश्तराकी यानी कि सोशलिज्म की एक मिसाल है और जो भी सोशलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करेगा उसका जो अंजाम है वो इसी तरह होगा। हजारों अफराद को उठाकर जेल में डाल दिया गया और बहुत सख्ती से इस स्ट्राइक को जो है वो दबा दिया गया। इसी तरह गीटो एक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें एशियन जो लोग थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाल दी गई थी। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रगल इज माई लाइफ। इस चैप्टर में मंडेला डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अपना ऑफिस जो है वो ओपन किया जिसका नेम मंडेला और तांबू रखा। ये ऑफिस बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि ये पहले ब्लैक पीपल थे जो ब्लैक लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनकी एतराजात को खत्म कर रहे थे। जो भी ब्लैक पीपल जो है वो अपने मसले मसाइल लेकर आता तो ये जो वकील थे ये कोर्ट में जाके उनके मसाइल को हल करवाते और इनकी जीत का बायस बनते। इन्होंने ये भी देखा कि ब्लैक लोगों के जो एरियाज थे उनमें जबरदस्ती लोगों को निकाल बाहर फेंका जा रहा था और वो एरिया जो है वो वाइट लोगों को दिए जा रहे थे। मंडेला के अंदर बहुत ही जबरदस्त स्पिरिट और पावर थी अपनी स्पीचेस को डिलीवर करने की, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक नई उम्मीद पैदा शुरू हो गई। मंडेला जो था वो बहुत ही जबरदस्त स्पीचेस करता था, एड्रेसेस करता था, जिसके अंदर अवाम के अंदर बहुत ही एक स्पिरिट और जज्बा देखने को मिलता था। बांतू ला जो है ये भी इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें अफ्रीकन यानी कि ब्लैक लोगों के ऊपर जो तालीम थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तभी स्कूल जो थे वो हुकूमत के अंडर थे, हुकूमत ने उनसे अपना हाथ हटवा लिया और ये कहा कि ये जो सारे स्कूल हैं वो ये अपने बलबूते के ऊपर खुद ही बच्चों को पढ़ाएं, हुकूमत इन स्कूलों को कोई भी माली मुआवनत नहीं करेगी। इसीलिए बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद हो गए और लोगों की तालीम यानी कि बच्चों की तालीम जो है वो मुतासिर हुई। बहुत सी स्ट्राइक्स हुई, आए दिन स्ट्राइक्स होती रहती थी क्योंकि हुकूमत कोई ना कोई कानून बना देती थी जिससे ब्लैक को मजीद जो है सप्रेस किया जाए और उनको नस्ल परस्ती के ऊपर धकेला जाए। लोग लाखों की तादाद में स्ट्राइक करते थे और डिमांड करते थे कि उनको इक्वल हकूक जो है वो मिले। इसीलिए ANC ने इसी दौर में चार्टर ऑफ फ्रीडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसका मकसद था हुकूमत और लोगों को ये बताना कि ANC का असल मकसद क्या है और वो क्या चाहती है और वो अपने हकूक जो है वो डिमांड कर रही है। वो ANC की हिकमत अमलियों की कहानियां भी शेयर करता है, इसमें हड़तालें, बायकॉट, सिविल नाफरमानी की कार्रवाइयां, ये बाब जदोजहद में शामिल अफराद के अजम और लचक को उजागर भी करता है। और इसी में आप देखेंगे कि जेल भरो तहरीक जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, इतनी गिरफ्तारियां दी कि जेलों में जगह ही कम पड़ गई। ये मिसाल आपको पाकिस्तान में भी मिलेगी। PTI की लीडरशिप की जानिब से जेल भरो तहरीक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। चैप्टर नंबर 5 ट्रियन गद्दारी। इस बाब में मंडेला गद्दारी के इस बदनाम जमाना मुकदमे को याद करते हैं जिसका सामना इन्होंने ANC के देगर रहनुमाओं के साथ किया था। वो मुकदमे की कार्रवाई, इसके खिलाफ लगाए गए इल्जामात और दफा की जानब से इस्तेमाल किए जाने वाली हिकमत अमली का तफसीली बयान करते हैं। मंडेला जाती तौर पर और मजमूई तौर पर ANC पर मुकदमे के असरात की अक्कासी भी करते हैं। दबाव और चैलेंजों के बावजूद मंडेला का जज्बा अटूट है, वो आजादी के मकसद के लिए अपनी असम का अदा भी करता है। और इसी चैप्टर में आप देखेंगे कि मंडेला की जो है वो बार बार उनको गिरफ्तार भी किया जाता गया और उनके ऊपर बैन भी लगाया गया। कोई भी तकरीर जो है वो शाया ना हो अखबार में, इनके बारे में कहीं बात ना हो और ये किसी भी जुलूस जलसे में खिताब ना कर सके। इसी दौरान इसी बाब में हमने देखा कि नेल्सन की अपनी पहली बीवी से डिवोर्स हो गई और उसके बाद ये अपनी दूसरी बीवी विनी से मिले और इन्होंने वहाँ पे शादी की। यहाँ पे हमें इसी बाब में औरतों की हड़ताल भी देखने को मिली जो कि पास लॉस के अगेंस्ट थी। पास लॉ का ये है, कोई भी ब्लैक जो है जब वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करेगा तो वो अपने पास एक कागजात यानी कि दस्तावेजात रखेगा जिसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। किसी भी टाइम पुलिस जो है वो ब्लैक से वो पास लॉ देख सकती है और ना होने की सूरत में उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ब्लैक पिंपरनल, काला बागी, ये बाब मंडेला के एक मफरूर के तौर पर दौर का अहाता भी करता है। मंडेला ने हकाम की गिरफ्त से बचने के लिए यानी कि अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए अपने तजर्बात बयान किए जब इन्होंने जेरे जमीन ANC के लिए अपना काम जारी किया और जेरे जमीन काम जारी करने के लिए उन्होंने MK जो थी वो तश्कील दी जो कि हुकूमत की खिलाफ वर्जियों यानी कि
तशद्दुद वाला जो हुकूमत का रवैया था उनसे निपटने के लिए उन्होंने एक अलग जो है वो तंजीम बनाई थी एमके। वो बेस बदलने, खुफिया कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों के मुसलसल खतरे की कहानियां भी शेयर करते हैं। मंडेला की वसाइल परस्ती और अजम इस वक्त चमकता है जब वो नस्ल परस्ती के खिलाफ मजामत के खतरनाक मंजरनामे पर तशरीफ ले जाते हैं। इसी बात में हम देखते हैं कि मंडेला अफ्रीकन कंट्रीज का सफर करते हैं जिसमें मोरक्को, तंजानिया, इथोपिया वगैरह शामिल है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज का सफर इसलिए करते हैं ताकि इनकी नई तंजीम एमके के लिए ये माली मुआवनत हासिल कर सके और असला भी, अपनी तरबियत भी वहीं से हासिल कर सके। अफ्रीकन कंट्रीज में घूमने के बाद मंडेला को सही मायनों में आज़ादी का एक मज़ा जो है वो महसूस होता है कि एक काला इंसान होने के नाते भी वो एक आज़ाद इंसान है। एम की तंजीम दरअसल रिटेलिएशन थी गवर्नमेंट के काम के खिलाफ। मंडेला का ये ख्याल था कि इतने सालों से वो पुरअमन एहतजाज कर कर के थक गए हैं और हकूमत उनके पुरअमन एहतजाज को उतनी ही सख्ती के साथ दबा देती है और उनके ऊपर इतना ही जुल्म ढाती है। हकूमत इतनी ज्यादा इनके एहतजाज के ऊपर और अजलासों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करती थी। बाज़ औक़ात पुलिस जो थी वो सरेआम गोलियां चला देती थी और इनके बहुत से कारकुन जो हैं वो मर जाते थे। चैप्टर नंबर 7 रिवानिया। नेल्सन बताते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज से सफर करने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर चार्जेस इम्पोज कर देती है जिसमें गद्दारी और टेररिज्म शामिल है। नेल्सन बताते हैं कि इन्होंने ये मुकदमा खुद लड़ा और ये अपना वकील भी इन्होंने हायर नहीं किया था, ये अपना वकील खुद ही बने थे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो पीटीआई के लीडर, वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं तो वो अपना मुकदमा जो है वो खुद लड़ेंगे और अपना वकील भी कोई नहीं रखेंगे। वो बताते हैं कि वो किस तरह रॉबिन आइलैंड वो है वो चलेंगे। हकूमत ने रॉबिन आइलैंड में एक अलग जो है वो जेल बनाई हुई थी और वहीं पे सियासी कैदियों को ये रखा करते थे। गवर्नमेंट जो है उनको एमके प्लान्स का पता चल गया। एमके प्लान्स मिलने की वजह से नेल्सन के ऊपर मजीद घेरा जो है वो तंग हो गया था और मुकदमे की समाअत के दौरान जो ताकतवर तकरीर की वो इनका जिक्र भी करते हैं। 4 घंटे मुसलसल इन्होंने कोर्ट रूम में अपनी तकरीर जो है वो अपना दफा जो है वो किया था और 4 घंटे मुसलसल बोलने के बाद लास्ट में उन्होंने जो जुमले कहे थे वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अफ्रीकी अवाम की जदोजहद के लिए वक्फ कर दी। जिस तरह मैं सफेद फॉर्म बर्तरी के खिलाफ लड़ा हूँ, इसी तरह सियाह फॉर्म बर्तरी खिलाफ ना हूँ। मैंने एक आज़ाद और जमहूरी माशरे के ख्वाब देखे हैं जिसमें लोग हम आंकी के साथ रहें और इन्हें मसावी हकूम मैसर हों। ये ऐसा आदर्श है जिसको हासिल करने के लिए मैं जिंदा रहूँगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूँगा। नेल्सन बताते हैं कि उनकी ये तकरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ मुख्तलिफ गैर मुल्की अखबारात में भी शाया हुई और ये उन हालात में हुई जब हुकूमत ने इनकी तकरीर के ऊपर, इनकी तस्वीर के ऊपर पाबंदियां आयद की हुई थी। चैप्टर नंबर 8 रॉबिन आइलैंड इन डार्क ईयर्स। मंडेला बताते हैं कि उनको उम्र कैद की जो सजा थी वो मिल गई और हुकूमत ने उनको रॉबिन आइलैंड में भेज दिया। दुराने कैद वो अपने मुख्तलिफ तजर्बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह सख्त हालात में वो सियासी कैदियों को दरपेश जिस्मानी और जहनी चैलेंजों और उनके दरमियान पैदा होने वाली हमदर्दियों को बयान करता है। मंडेला मुजामत और जाती तरक्की के जरिए तलीम और फिक्री तरक्की की अहमियत पर जोर देते हैं। जालमाना हालात के बावजूद मंडेला का अजम अटल है। इसी चैप्टर में मंडेला बताते हैं कि गवर्नमेंट ने इनको कॉमन क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग आम कैदियों की तरह रॉबिन आइलैंड में रखा था बजाय कि वो एक सियासी कैदी थी। उनको मुख्तलिफ मेंटल चैलेंजेस का वहाँ पे सामना करना पड़ा और हुकूमत ने उनको बहुत ही वहाँ पे टफ टाइम दिया। उनको आम कैदियों की तरह उनके ऊपर मुजालिम जो है वो ढाए जाते और उनसे काम करवाया जाता। वो अपने चूने के पत्थरों में मजदूरी के दिनों को भी याद करते हैं। वो ये भी बताती हैं कि उनकी बीवी को उनसे मिलने के लिए किस तरह सख्त हालात में मिलना पड़ता था। एक शीशे का कमरा होता था जिसमें कुछ सुराख होते थे और उनको जोर से बोलना पड़ता था और पास में दोनों तरफ निगरान जो है वो खड़े होते थे और उनको सिर्फ जाती बातें करने की इजाज़त थी और सियासी बात करने से उनको मना किया जाता था। पुलिस का गैर इंसानी सलूक जो है वो उसके बारे में भी बात करते हैं। बताते हैं कि उनकी माँ और बेटे की मौत हुई लेकिन उनको जाने ना दिया गया। चैप्टर नंबर 9 रॉबिन आइलैंड बिगनिंग ऑफ होप उम्मीद की शुरुआत। जेल में ही अपनी बहुत सी यूनियनशिप जो है वो बनानी थी और बाहर के हालात इस तरह थे कि एमके ने यानी कि मंडेला की तंजीम ने और पार्टी ने हुकूमत को बहुत ही टफ टाइम दिया हुआ था। अंदरूनी हालात तो खराब ही थे। अमेरिका और बरतानिया की तरफ से साउथ अफ्रीका के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लग गई और असले की खरीदारी पे भी पाबंदी लग गई।
बाहर के मुमालिक की तरफ से गवर्नमेंट को कंडेम किया जाता कि वो मुल्क के हालात को सही करें, जमहूरियत को फरोग दें। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि मंडेला के साथ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो होल्डर्स और मिनिस्टर थे उनकी जो मिलने की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई और मंडेला को रॉबिन आइलैंड से पोल्समोर जेल में शिफ्ट कर दिया गया जो कि केप टाउन के साउथ ईस्ट की तरफ थी। वहां पे मंडेला को डिफरेंट इन्वायरमेंट दिया गया। रॉबिन आइलैंड में जहां पे 21 साल मंडेला ने गुजारे वहां पे उसको एक कोठरी में रखा जाता था लेकिन पोल्समोर जेल में उनको एक कमरा दिया गया जिसमें अच्छी सहूलियात मौजूद थी। मंडेला रॉबिन जजीरे पर जेल की हालात में बदतरीज बेहतरी की तरफ अक्कासी भी करते हैं। इन्होंने ANC के साथ मुजाकरात में शामिल होने के हुकूमत की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया जिसे सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इशारा दिया। मंडेला कैदियों के दरमियान पेचीदा हरकत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद के बढ़ते हुए एहसास को तलाश करते हैं। इस बाब में कैदियों की लचक और आज़ादी के शोले को जलाए रखने के इसके अजम को उजागर किया गया है और यहीं पे हमें पता चलता है कि मंडेला जेल में था और बाहर फ्री मंडेला मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी, सिविल वार जो है वो भी शुरू हो चुकी थी। हालात जो थे वो हुकूमत के हाथ से निकलते जा रहे थे। चैप्टर नंबर 10 टॉकिंग विद द एनिमी, दुश्मन से बातचीत। यहाँ पे हम देखते हैं कि मंडेला के ऊपर जो स्ट्रिक्टनेस थी वो कम होगी और उनको अपनी बीवी और वकील से भी मिलने दिया जा रहा था। हुकूमत ऑफिसर जो थे मिलने आते थे। एक मरतबा जो था इंस्पेक्टर जो है मंडेला को केप टाउन घुमाने भी बाहर ले गया था। गवर्नमेंट ने इनको एक छोटा सा अलग घर भी दे दिया था जहाँ पे मिनिस्टर जो है वो आके बातचीत करते थे, अपने मुजाकरात पे बात करते थे। मंडेला इस चैप्टर में दुश्मन के साथ मुजाकरात के चैलेंजों और पेचीदगियों और समझौते की जरूरत पर गौर करता है। मंडेला पर अमन हल की तरफ बढ़ने के लिए बातचीत और मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की अहमियत पर भी जोर देता है। ये बात मंडेला की क्यादत और की लीडरशिप में सोच को भी जाहिर करता है जब वो रिकंसिलिएशन की तरफ जा रहा था। चैप्टर नंबर 11 फ्रीडम आजादी। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो 4 साल मुजाकरात में लेती है और इलेक्शन का टाइम जो है वो डिस्कस हो जाता है और बिल पास हो जाता है। इसी चैप्टर में नेल्सन अपनी दूसरी बीवी से अलैदगी का भी जिक्र करते हैं और नेल्सन को नोबल पीस अवार्ड और प्रेसिडेंट क्लॉट जो थे जो इनके साथ रिकंसिलिएशन के ऊपर और मुजाकरात के ऊपर हुकूमत की जानिब थे इन दोनों को नोबल पीस अवार्ड मिला कि उन्होंने अपार्थिस सिस्टम के बदनामा जमान कानून को खत्म किया था। इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तरतीब दिया जाता है, पीस वे में इलेक्शन होते हैं और नेल्सन की पार्टी जो है वो 62% जो है वो वोट हासिल करती है। नेल्सन के मुताबिक ये एक एक्चुअल फ्रीडम थी। इसी चैप्टर में नेल्सन माफी मुफाहमत और मुतहदा जनूबी अफ्रीका के लिए काम करने की अहमियत पर जोर देता। आज़ादी इंसाफ और मसावात के लिए मंडेला का विजन आने वाली नस्लों के लिए एक तहरीक का काम भी करता है। मई 1994 में मंडेला जो है वो पहले सियाफाम साउथ अफ्रीका के सदर बन चुके थे। मुल्क में जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो चुकी थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी के लास्ट में मंडेला ये कहती हैं कि इन्होंने आज़ादी का तवील सफर जो है वो तय किया है। अगरचे मैंने कोशिश की है कि मेरे कदम जो है वो लड़ाए नहीं मगर मैंने अपने सफर में गलत कदम भी उठाए। मैंने ये राज पा लिया है कि एक चोटी सर करने के बाद आप पर अयां होता है कि अभी बहुत सी चोटियां सर करना है। मैं लम्हा भर सस्ताने के लिए रुका हूँ ताकि अपने इर्द गिर्द के शानदार अहद और उस मुकाम को एक नज़र देख सकूँ जहाँ से मैंने सफर का आगाज किया था। मगर मैंने सिर्फ लम्हा भर को सस्ता सकता हूँ क्योंकि आज़ादी जिम्मेदारियों के जलू में वारद होती है। इस राह में क्या मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा आज़ादी का तवील सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इसी के साथ ये बुक समरी जो है वो ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के हालात जो है वो एक जैसे हैं और अपनी कीमती राय जो है वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।